अविश्वास प्रस्ताव पर आज तक की नॉनस्टॉप लाइव कवरेज लगातार जारी है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तेज तर्रार हमले किए। मणिपुर में हिंसा का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी बोले कि हिंदुस्तान की हत्या का आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन संसद से निकलते हुए राहुल गांधी एक नए विवाद में फंस गए। राहुल गांधी पर बीजेपी ने संसदीय आचरण की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। आरोप ये कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस के अंदाज में इशारा किया। बीजेपी की महिला सांसदों ने इसकी शिकायत अध्यक्ष से कर दी है। स्मृति ईरानी बोली कि अभद्र लक्षण है, गरिमा विहीन आचरण है, महिलाओं की मौजूदगी में यह नहीं होना चाहिए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सीसीटीवी का फुटेज निकालकर राहुल गांधी पर कार्रवाई करने की बात की है और बीजेपी की विभिन्न महिला सांसदों ने इसकी शिकायत कर दी है। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विथ सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, या सदन में देश को पता चले। बट राहुल गांधी बाय गिविंग प्लेन किस टू अस स्मृति ईरानी जी ऑल वुमेन मेंबर्स ही वेंट अवे। दिस इज टोटली मिसबिहेवियर ऑफ ए मेंबर। This is inappropriate and indecent behavior of a member. Senior members are telling, this has never happened in the history of Parliament of India. पहली बार ये ऐसे हो रही है, एक member Parliament का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या behavior है, क्या नेता है वो? इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट किया है, सीसी कैमरा से इसका फुटेज लेना। शोभा करंदलाजे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर शिकायत की है और ये कहा है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई कीजिए।